हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास सीरीज का आज मेरा यह सातवां लेक्चर है और आज हम शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक आलोचना का अध्ययन करेंगे। हिंदी आलोचना के केंद्र में यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखते हैं तो हिंदी आलोचना का जो विकास क्रम है उद्भव और विकास उसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में जो हिंदी आलोचना थी, और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की हिंदी आलोचना। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, द्विवेदी युगीन और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। इसके बाद हम देख चुके हैं शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं स्वच्छंदतावादी आलोचना अथवा सौष्ठवादी आलोचना। आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक आलोचना। तो यह यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है, पता है आपको, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के अंतर्गत। और जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है अभी 2023 में जो होने वाली है वह कब होगी, 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने यह नोट्स तैयार किया है। और परीक्षाओं में आजकल विभिन्न आलोचकों के आलोचना ग्रंथ पूछे जाते हैं और उनके प्रकाशन क्रम किस वर्ष में प्रकाशित हुए हैं, उनके सीरियल ऑर्डर में क्रमबद्ध ढंग से उनको जमाना होता है। तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कौन सा आलोचना ग्रंथ पहले प्रकाशित हुआ है, और फिर इनका जोड़ी बनाने के लिए भी आता है मैच द कॉलम्स। एक तरफ आलोचकों के नाम रखे रहेंगे और राइट साइड में रहेंगे उनके रचनाकारों, आलोचकों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम। तो यह ध्यान में रखें। तो ऐतिहासिक आलोचना का हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक आलोचना। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक आलोचना। आचार्य जो शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना है वह कई धाराओं में विभाजित हो गई थी, स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, नई समीक्षा। तो इन सब पर मेरे एपिसोड सभी आएंगे, आप देखते रहिए। ऐतिहासिक आलोचना से क्या तात्पर्य है? आधुनिक समीक्षा के आरंभ से ही ऐतिहासिक समीक्षा के दर्शन होते हैं। मतलब जब हम आधुनिक समीक्षा की जब शुरुआत हुई उस समय ऐतिहासिक आलोचना मतलब किसी रचना को उसके ऐतिहासिक परिस्थितियों में, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में रखकर देखना, उसकी आलोचना करना, इसे कहा जाता है ऐतिहासिक आलोचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधुओं में ऐतिहासिक विवेचन की प्रवृत्ति पाई गई है। तो चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो अथवा मिश्र बंधु हो, मिश्र बंधु लोग तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हें बोला जाता है मिश्र बंधु। तो इनमें ऐतिहासिक विवेचन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐतिहासिक विवेचन मतलब किसी भी कृति को जिस समय वह रचना रची गई उस समय की कैसी ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इनके आधार पर इनका विवेचन किया जाता है। ऐतिहासिक समीक्षक युग चेतना के प्रभाव के साथ यह भी अध्ययन करता है कि किस रचना ने समाज के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान दिया। तो इसमें क्या है, उस साहित्यिक कृति पर उस युग का कितना प्रभाव पड़ा, साथ ही उस साहित्यिक कृति ने साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान दिया, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर आलोचना की जाती है। किसी भी साहित्यकार या रचना को युग और समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मतलब साहित्यकार पर उसके युग और समाज का या फिर किसी रचना पर उसके युग और समाज का प्रभाव अवश्य पड़ता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथों में साहित्य और देशकाल का संबंध बताया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नाम के जो आलोचक हुए हैं उन्होंने विश्व साहित्य नाम की कृति लिखी है और हिंदी साहित्य विमर्श नाम की कृति लिखी है। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से क्या बताया कि किसी साहित्य का उसके देश काल और परिस्थितियों और वातावरण से कितना प्रभाव होता है। मतलब साहित्य पर देश काल उसके परिस्थितियों और वातावरण का कितना प्रभाव होता है, इसका इन्होंने आलोचना किया, इसका संबंध बताया। लेकिन कवियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर विचार करने का प्रथम वैज्ञानिक प्रयास शुक्ल जी की आलोचना में हुआ है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले जो कवि हैं उनका उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनकी आलोचना की है और उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। तो इसका सबसे पहले व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास किसने किया है, तार्किक प्रयास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पर शुक्ल जी ने कवियों को साहित्य की धारा में रखकर नहीं देखा है। मतलब विभिन्न जो धाराएं हैं कविताएं की,
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर भक्ति काल, इस टाइप का, तो विभिन्न प्रकार के साहित्यिक धाराओं में रखकर नहीं देखा है, बल्कि जिस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है क्रमबद्ध ढंग से उनकी विवेचना की है। वास्तव में ऐतिहासिक समीक्षा के समाज शास्त्रीय रूप का विकास प्रवर्ती काल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचक माने जाते हैं। इन्होंने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रचनाओं की जो आलोचना शुरू किया, इसका श्रेय जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो मुख्य समीक्षक जो है ऐतिहासिक आलोचना के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है, इसमें हम इनकी आलोचना दृष्टि भी देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक थे और अपने मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के कारण वे शुक्ल जी से भिन्न थे। पहले ये शुक्ल स्कूल के आलोचक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित थे और उनके शुक्ल स्कूल या फिर शुक्ल संस्थान के आलोचक थे, लेकिन इनका दृष्टिकोण आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूरी तरह से भिन्न था। यह मानवतावादी आलोचक थे। मानवतावादी आलोचक मतलब क्या होता है, मानवतावाद मतलब जो मानव के कल्याण की कामना करता है, जो मानव के कल्याण और लोक कल्याण कल्याण अथवा लोक के मंगल की कामना किया जाता है, उसे कहा जाता है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण से वे और ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के आधार पर वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से भिन्न थे। उनकी समीक्षा शैली शुरू से ही स्वच्छंदतावादी एवं ऐतिहासिक रही, जिसमें मानवतावादी और समाजवादी मूल्य जुड़े हुए थे। तो इनकी आलोचना पद्धति में मानवतावादी, समाजवादी मतलब समाजवाद क्या होता है कि जो शोषण और शोषित कुछ नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे होना चाहिए, और जो साहित्य को जो मुख्य उद्देश्य है वह समाज का कल्याण करना होना चाहिए। तो इस प्रकार की इनकी आलोचना दृष्टि रही है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी इसकी इनका अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए बताया कि किसी रचनाकार का स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर करना चाहिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित थी, इन्होंने बताया है कि किसी साहित्यकार का मूल्यांकन करते समय हमको उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसी के आधार पर हमको उनका मूल्यांकन और आलोचना करना चाहिए, उनको स्थान प्रदान करना चाहिए। अर्थात किसी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन और रचनाकार के लिए उसके जीवन परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। मतलब जब हम किसी रचना का अध्ययन करते हैं तो उसके रचनाकार के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वे किस समय के रचनाकार हैं, उनके समय की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, और रचनाकार के लिए क्या जरूरी है। रचनाकार के लिए जरूरी है कि वह रचनाकार के लिए उसके जीवन परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। मतलब कोई भी आलोचक जब किसी रचनाकार की आलोचना करता है तो वह जरूर ध्यान में रख ले कि उस रचनाकार का जीवन का परिवेश कैसा था, वातावरण कैसा था, देश काल कैसा था, और किस परंपरा से वे आते हैं, मतलब उनकी परंपरा कौन सी है, किस दृष्टिकोण, किस विचारधारा से वे प्रभावित हैं, इसकी आलोचना अवश्य करनी चाहिए। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सूर साहित्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में छायावादी भावुकता की प्रधानता थी। सूर साहित्य का जो इन्होंने विवेचन किया है इसमें छायावादी भावुकता के आधार पर किया है। भावुकता मतलब छायावादी काव्य, बहुत ही भावुक काव्य था, तो भावनाओं के आधार पर किया है। किंतु कबीर 1942 ईस्वी में उनका प्रायोगिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण भी स्पष्ट हुआ, लेकिन जो कबीर नाम की जो इनकी कृति है जो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह इनकी व्यवहारिक आलोचना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। कबीर के भाषागत वैशिष्ट पर भी सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई। तो जब उन्होंने कबीर की आलोचना की तो उन्होंने यह देखा कि कबीर के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और साहित्यिक परंपरा किस प्रकार की थी, और कबीर के जो भाषा की जो विशिष्टता है, जिसे हम सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है, तो कबीरदास की जो भाषा की जो विशिष्टता है, इस पर इनका ध्यान सबसे पहले गया। उनकी भाषा विशेष प्रकार की भाषा है। द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्नों का लक्ष्य मानते थे। मतलब व्यक्ति जो भी काम करता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, मानव कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है। अशोक के फूल निबंध संग्रह में संग्रहित उनके एक निबंध का शीर्षक है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। मतलब जो भी व्यक्ति कोई काम करता है वह मनुष्य को ध्यान में रखकर करता है, लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए करता है। तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मतलब साहित्य का मुख्य लक्ष्य क्या है, मनुष्यों का कल्याण करना। मानवतावादी आलोचक है। तो साहित्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का कल्याण करना, लोक का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। हिंदी साहित्य
1952 ईस्वी में तथा अन्य स्थानों पर भी उन्होंने सूर तुलसी आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टि से किया है। तो विभिन्न प्रकार के आलोचना ग्रंथों में उन्होंने जो मूल्यांकन किया है, सूरदास का, तुलसीदास का, तो किसको ध्यान में रखकर किया है, मानवतावादी दृष्टि से किया है कि मानव के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए सूर और तुलसी का साहित्य कितना मूल्यवान है। प्रेमचंद का आकलन भी इसी दृष्टि से हुआ है। प्रेमचंद का की आलोचना उन्होंने इसी दृष्टिकोण से किया है। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य और रस का पर्याय माना है। पर्याय मतलब होता है समानार्थक शब्द। तो जो मनुष्यता है वह साहित्य का समानार्थक है, और वैसे रस जो है वह मनुष्यता के समानार्थक है। मतलब मनुष्यता और साहित्य दोनों समानार्थी शब्द हैं, और मनुष्यता और रस दोनों समानार्थी शब्द हैं। मतलब साहित्य और रस दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं काव्य शास्त्र को भी ऐतिहासिक दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की। उन्होंने केवल कविता की नहीं बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र को भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखा और परखा और उसकी व्याख्या की। उनकी सैद्धांतिक मान्यताएं साहित्य कामारंभ में सामने आई। सैद्धांतिक मान्यताएं मतलब किन सिद्धांतों के आधार पर वे आलोचना करते थे, उनके आलोचना के मापदंड क्या थे, वे साहित्य कामारंभ में सामने आए। उनकी जो साहित्यिक मान्यताएं सैद्धांतिक मान्यताएं आलोचना के संबंध में, द्विवेदी जी का मत साहित्य के मूल्यों को बदलने तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में। तो जो साहित्य के जो पुराने मापदंड थे, पुराने ऐतिहासिक पारंपरिक जो मापदंड थे, साहित्य की आलोचना के जो मापदंड थे, उसमें इन्होंने परिवर्तन किया तथा आलोचना को उन्होंने नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ा। नवीन मानवतावादी मूल्य मतलब लोक कल्याण, जन कल्याण, मानव का कल्याण, इससे उन्होंने साहित्य के मूल्यों को जोड़ा। तथा साहित्य लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मानव का कल्याण होना चाहिए। मैनेजर पांडे एक और प्रमुख आलोचक हुए हैं ऐतिहासिक आलोचक, इनका क्या मानना है। मैनेजर पांडे साहित्य के मूल्यांकन के लिए ऐतिहासिक दृष्टि और समाज शास्त्रीय दृष्टि के मेल से अपने आलोचनात्मक प्रतिमान विकसित करते हैं। मैनेजर पांडे के जो आलोचना के मापदंड है, आलोचना के जो मानदंड है, जो आलोचना के प्रतिमान है, यह मुख्य रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से आधारित है। समाज शास्त्र के आधार पर और ऐतिहासिक आधार पर इन्होंने अपने दृष्टिकोण का निर्माण किया है। इस प्रक्रिया में वे इतिहास विरोधी कलावादी चिंतन का व्यापक विरोध करते हैं। कलावादी चिंतन मतलब कला कला के लिए, मतलब कला का कलाकार जो होता है सिर्फ अपना कला का सृजन करता है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता, यह कलावाद है। तो इन्होंने आर्य इतिहास का विरोध करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखते कलावादी लोग। कलावादियों का यह मानना है कि कला सिर्फ कला के लिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक, इस चिंतन का व्यापक विरोध करते हैं। अपने पुस्तक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, कला कला के लिए, इसका इन्होंने विरोध किया है। अपनी पुस्तक साहित्य और इतिहास दृष्टि के माध्यम से वे साहित्य के मूल्यांकन के लिए ऐतिहासिक दृष्टि के महत्व को स्थापित करते हैं। मतलब किसी भी साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए उसकी जो ऐतिहासिक परिस्थितियां थी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका के माध्यम से हिंदी आलोचना में समाज शास्त्रीय दृष्टि का विकास करते हैं। दूसरी किताब में इन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना करने के लिए समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, मतलब किसी भी कृति को समाज शास्त्र के आधार पर, समाज शास्त्रीय ढांचे, समाज शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर इसकी आलोचना करने का इन्होंने दृष्टिकोण विकसित किया। इन्होंने परंपरा के मूल्यांकन का गंभीर आलोचकीय दायित्व भी निभाया। हमारे जो प्राचीन परंपरा से जो प्राप्त साहित्य है, साहित्य की जो परंपरा है, और उसका मूल्यांकन करने के जैसे गंभीर दायित्व का भी निर्वहन किया है। मतलब हमारी जो साहित्यिक परंपरा है उसका भी इन्होंने ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। इस दृष्टि से उनकी पुस्तक भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य अत्यंत उल्लेखनीय है। ठीक है, भक्ति आंदोलन जो था हमारी परंपरा है, भक्ति आंदोलन हमको परंपरा से प्राप्त हुई, और भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास के काव्य की उन्होंने आलोचना की। अस्मितामूलक विमर्शों के प्रति मार्क्सवादी आलोचना का नजरिया प्राय विरोध कर रहा है, पर मैनेजर पांडे का रवैया इन विमर्शों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। अस्मितामूलक विमर्श किसको बोलते हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, है ना, या फिर आदिवासी विमर्श, इसे बोला जाता है अस्मितामूलक विमर्श। इस पर मैंने 3 एपिसोड बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपके काम के। तो जो मार्क्सवादी जो आलोचना पद्धति है वह विमर्शों के प्रति क्या है, नकारात्मक रवैया रखती है। मार्क्सवाद क्या है, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, इनको नकारात्मक नजरिए से देखता है, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। परंतु मैनेजर पांडे ने इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार किया है, सहानुभूति पूर्ण रहा। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखते हुए
ये मार्क्सवादी आलोचना के दायरे को विस्तृत करते हैं। मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी आलोचना का दृष्टिकोण है, इसको ये विकसित करते हैं और स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। शब्द और कर्म, अन्वय सांचा, आलोचना की सामाजिकता और आलोचना में सहमति असहमति उनकी अन्य महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। अब हम देखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी सहृदय आलोचक हैं। सहृदय मतलब भावुक आलोचक हैं। लोकवादी तुलसीदास और मीरा का काव्य जैसी पुस्तकों के माध्यम से वे इन रचनाकारों के साथ साथ संपूर्ण भक्ति काव्य में निहित प्रगतिशील मूल्यों को रेखांकित करते हैं। प्रगतिशील मतलब मार्क्सवादी जीवन मूल्य जो होते हैं, जो प्रगतिशील हैं। प्रगतिशील कविता को वास्तव में मार्क्सवादी कविता भी कहा जाता है। उनमें क्या प्रगतिशील जीवन मूल्य है, क्या आधुनिक जीवन मूल्य है, तो इसके साथ वे संपूर्ण भक्ति काल का विवेचन करते हैं। लेकिन भक्तिकालीन काव्य में जो प्रगतिशील जीवन मूल्य थे उसको वे रेखांकित करते हैं, उसको हमारे सामने लाते हैं। मार्क्सवादी आलोचना में तुलसीदास को लेकर गंभीर बहसें हुई हैं। तुलसीदास को लेकर मार्क्सवाद में बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया गया है तुलसीदास के ऊपर मार्क्सवादी आलोचना में। त्रिपाठी जी अतिवाद से बचते हुए तुलसीदास की विलक्षण लोक संशक्ति को रेखांकित करते हैं। तो वे मार्क्सवादी आलोचना में जो अतिवाद है उसे बाहर आते हैं और वे तुलसीदास के काव्य में जो विलक्षण लोक संशक्ति है, लोक से जो जुड़ाव है, लोक कल्याण की जो भावना है, मानव कल्याण की जो भावना है, सर्वहिताय है ना, लोगों के हित के लिए जो तुलसीदास के काव्य में जो प्रवृत्तियां उल्लिखित की गई है उस पर वे ध्यान देते हैं। शुरुआती मार्क्सवादी आलोचकों के निषेधात्मक रवैये की तुलना में वे तुलसी काव्य का युग संदर्भ को ध्यान में रखकर संपूर्णता में विश्लेषण करते हैं। जो मार्क्सवादी आलोचक है तुलसीदास के काव्य के प्रति निषेधात्मक रवैया रखते हैं, नकारात्मक रवैया रखते हैं, तो इसकी तुलना में वे तुलसीदास के काव्य को युग संदर्भ को ध्यान में रखकर उसकी संपूर्णता में विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो इनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि मार्क्सवादी आलोचना का जो दृष्टिकोण है सीमित दृष्टिकोण है। वे सभी चीज को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखकर चलते हैं, शोषक और शोषित के रूप में ही वे समाज को देखते हैं। तो इनकी जो व्याख्या है वह ज्यादा विस्तृत है। हिंदी आलोचना इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी आलोचना की विकास यात्रा को वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हिंदी आलोचना की जो विकास है इसको उन्होंने व्यवस्थित ढंग से इस पर आलोचना किया है, इसका वर्णन किया है वस्तुनिष्ठ ढंग से, मतलब तटस्थ भाव से। हरिशंकर परसाई की व्यंग दृष्टि की बारीक व्याख्या करने के साथ ही त्रिपाठी जी ने कहानी आलोचना के क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप भी किया है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हरिशंकर परसाई जी की व्यंग दृष्टि की बहुत ही व्यापक समीक्षा की है और इसके साथ ही जो कहानी और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की है। वे नई कहानी को व्यापक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में देखने की जरूरत पर भी बल देते हैं। नई कहानी जो आंदोलन है, नई कहानी आंदोलन, तो नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं लिखी गई इनको व्यापक परिप्रेक्ष्य में और संदर्भों में देखा जाए, यह इनका मानना है। सीमित संदर्भ में ना देखें। उनका मानना है कि आंचलिकता, नए पारिवारिक संबंध, भ्रष्टाचार, व्यंग, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण करते हैं। मतलब नई कहानी जो आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन शुरू हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन सी जो चीजें हैं जो उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, आंचलिकता, जैसे महिला आंचल है फणीश्वरनाथ, नए पारिवारिक संबंध, जैसे आधे अधूरे में आपने देखा है नए पारिवारिक संबंध, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश, और भ्रष्टाचार जैसे राग दरबारी वगैरह में आपने देखा हुआ है, व्यंग हरिशंकर परसाई के जो व्यंग वगैरह है, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण करते हैं। इनके आधार पर नई कहानी की संवेदना या फीलिंग्स निर्मित होती है। इस तरह वे नई कहानी को सिर्फ मध्यवर्गीय संबंधों के दायरे में देखने का विरोध करते हैं। तो उनका कहना है कि जो नई कहानी आंदोलन है सिर्फ आप मध्यम वर्गीय परिवारों की उसमें व्याख्या उसका उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ नई कहानी आंदोलन मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की जानी चाहिए और उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो यदि मेरा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।